फाइनली दोस्तों कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि Z50 के साथ FTZ अडोप्टर प्लस जो F माउंट का 18-140mm का लेंस आता है उसका थोड़ा सा रिव्यू लेके आइए। तो बड़े मुश्किलों से मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि जस्ट लेंस मिला था मुझे आधे घंटे के लिए, थोड़ा सा फ्री था तो मैंने जस्ट उसको ट्राई कर लिया है प्रॉपर फ़ोटोग्राफ़ी प्लस वीडियोग्राफी के लिए। और परफॉर्मेंस कैसा है वो मैं आपको बताऊंगा। तो किस तरह से मैंने इसको मैनेज किया, मैं आउटडोर रिव्यू तो नहीं दे पाऊँगा बट किस तरह से मैंने इसको मैनेज किया है वो मुझे पता है। तो फाइनली मैं खुद चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आपका लॉस ना हो। अगर आपके पास लेंसेज अवेलेबल है तो क्या FTZ के साथ वो लेंस कैसा रहेगा फ़ोटो प्लस वीडियो के लिए। तो दोस्तों मैंने लेंस को प्रॉपर रिव्यू लिया है, जितना मुझे टाइम मिला है उसके साथ मैंने उसका रिव्यू लिया है और परफॉर्मेंस कैसा लगा वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। उससे पहले मैं मैंने जो भी टेस्टिंग किया है उसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो दोस्तों लेंस की टेस्टिंग करने से पहले मैं लेंस के बारे में थोड़ा आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये है निकॉन का एफ़ माउंट का लेंस है जो कि है AF-A निकोर 18-140 है। ये लेंस की बात करो तो आपके D5500 के साथ आता है, निकॉन के D7500 मॉडल के साथ आता है। तो ये F माउंट के साथ है। तो अब क्या है कि आप जितने भी F माउंट के जो लेंसेज हैं ना आप अपने मिररलेस कैमरों पर यूज़ कर सकते हो। और आज इसी का ये रिव्यू लेके आओ क्योंकि कुछ कमेंट्स आ रहे थे, डिमांड आ रही थी कि इन लेंसों की कैसी परफॉर्मेंस है अगर हम FTZ के साथ निकॉन का Z50 कैमरे में अगर हम इसको अटैच करते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। DSLR की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया DSLR के साथ परफॉर्मेंस है, चाहे 5600 की बात करूँ 7500 की बात करूँ, काफ़ी बढ़िया इमेज क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी आती है, काफ़ी ज़्यादा शार्पनेस है इस लेंस में। और यहाँ पे देखिए इन लेंसों में VR का ऑप्शन लेंस के बाहर ही आता है, ऑटो मैनुअल स्विच तो आता ही है लेकिन VR का स्विच भी आता है। बट मिररलेस कैमरों में क्या है कि VR है लेंस में तो अंदर से आप उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इन लेंसों की बताऊं कि इन प्राइस में, ठीक है, इन प्राइस में भी जो उनका माउंट है ना बैक माउंट है वो मेटल का आता है, जो सबसे प्लस पॉइंट है कि इसको डैमेज या फिर स्क्रैचेस कई बार होता है ना, माउंट जो क्रैक हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेटल का माउंट आता है जो कि बहुत बढ़िया है। और मिररलेस के लेंसेज क्या हैं कि जो 18-140 है वो मेटल का नहीं है जबकि प्राइस में इससे ज़्यादा कॉस्टली है वो। तो दोस्तों अगर मैं इस लेंस की अगर UV फ़िल्टर साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पे 67mm का आप इसमें UV फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हो। और फाइनली अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ निकॉन का FTZ माउंट अडप्टर। और जो आपको बेनिफिट मिलता है ना कि अगर आप FTZ अडप्टर है अगर आप निकॉन के Z50 के साथ तभी लेते जब आप कैमरा ख़रीद रहे होते तो ये 50% डिस्काउंट में आपको मिल जाता है। ये ऑफ़र अभी भी है लेकिन इस समय क्या है ऑफ़र बहुत ज़्यादा लेस हो चुके हैं, बहुत ख़त्म हो चुके हैं ऑफ़र। डिस्काउंट की बात करें तो इसमें कुछ नहीं मिला, एक डिस्काउंट पे वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। एंड एक तरफ देखिए एक स्विच दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है कि जब भी आप अपने F माउंट के लेंस को रिलीज़ करेंगे तो इसको आप पीछे की स्लाइड करके रिलीज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ वो लॉक रहेगा। तो दोस्तों हमने FTZ अडप्टर को निकॉन के F माउंट 18-140 के साथ माउंट कर दिया है। और यहाँ पे साइज़ और वेट की बात करूँ तो आपका FTZ और फिर 18-140 के साथ बॉडी में अटैच करना थोड़ा हैवी फील मुझे हो रहा है। और हैवी फील हुआ भी जब मैंने इसको बॉडी के साथ लेके जब हैंडलिंग करने की कोशिश की तो थोड़ा हैवी मुझे फील हुआ है। तो दोस्तों प्रॉपर सेटअप मैंने कर लिया था तो अब फाइनली मैं कुछ टेस्टिंग करने जा रहा हूं और जैसे जैसे मैं टेस्टिंग करूंगा उसका रिव्यू आपको देते रहूंगा। तो फाइनली मैंने लेंस को कैमरे से कनेक्ट कर लिया है। और जहां तक बात करूं मैं ऑटो फोकस के स्पीड की, जब आप फोटोग्राफी शूट कर रहे होते हैं और जब आप शटर बटन को प्रेस करते हो तो कैमरा क्या करता है आपके फोकस और एक्सपोजर को लॉक करता है। तो अगर मैं उस लॉकिंग की बात करूँ, उस एक्सपोजर या फिर फोकस की अगर स्पीड की बात करूँ तो इक्वल है, नो प्रॉब्लम नो डाउट, मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम लगा नहीं। तो जैसे कि हम शटर बटन को जब भी रिलीज़ करते तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो स्लो फोकस कर रहा हो या स्लो एक्सपोजर लॉक कर रहा हो, ऐसा नहीं लगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। तो यहाँ पे मैं फोकस मोड की बात करूँ तो मैंने AF-A का यूज़ किया है और डायनेमिक एरिया का यूज़ कर रहा था मैं। तो ये फोकस लॉक और एक्सपोजर लॉक होने का काफ़ी अच्छा तरीका है। इस एरिया में भी काफ़ी स्पीड से आपका जो कैमरा फोकस और एक्सपोजर को लॉक करता है। तो मैंने फ़ोटोग्राफी में देखा मुझे उतना कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। क्योंकि जबकि जब परफॉर्मेंस की बात करूँ तो कैमरे में परफॉर्मेंस आने के लिए FTZ भी बीच में है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जब भी आप कैमरे से फोकस करोगे तो अगर मिररलेस कैमरे की बात करो तो वो मिनिमम डिस्टेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको जो डिस्टेंस देखने को मिलेगा वो DSLR वाला ही डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फिर मैंने जो एरिया को मैंने चेंज किया है थोड़ा, मैं यहाँ पे पिक्चर कंट्रोल भी चेंज कर देता हूँ। थोड़ा सा फ्लैट मैं यूज़ कर रहा था और यहाँ पे मैं माइक्रो सिंगल पॉइंट AF का यूज़ किया मैंने। उसके बाद मैंने क्वालिटी चेक किया तो नो प्रॉब्लम नो डाउट कि जो क्वालिटी आपको 7500 के साथ उस लेंसों के साथ मिलनी है और आपको 1840 के साथ भी वैसे ही आपको क्वालिटी मिलेगी। मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं दिखा है। हाँ, मैंने ऐसा कोई कंप्यूटर में एडिट या फिर फ़ोटोशॉप में ऐसा कुछ मैंने डिफरेंस नहीं किया है। वैसे मैं बता रहा हूँ, अब तक मैं जो 1840 पहला यूज़ करता था और जो मिररलेस जो कैमरे अभी जो आए हैं, लेंसेज आए नए नए, उसकी भी धीरे धीरे टेस्टिंग कर रहा हूँ। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि माइनर सा जो आपको डिफरेंस दिखेगा ना फ़ोटोग्राफी में, वो क्या है, फोकस की स्पीड को शायद दिख सकता है। अदरवाइज़ मुझे क्वालिटी में ऐसा कुछ लगा नहीं। उसके बाद जस्ट मैंने कैमरे को वीडियो मोड पे स्विच किया और मैं देखना चाहता कि इसका जो वीडियो का जो परफॉर्मेंस है, ऑटो फोकस की स्पीड है वो कैसी है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा बड़ा डिफरेंस दिखा और मैं थोड़ा सा निराश भी हूँ इस चीज़ से, क्योंकि शायद लेंस बड़ा और हैवी होने के कारण उसका जो मैकेनिज्म पार्ट है उसको मूव अच्छे से नहीं कर पा रहा था। क्वालिटी की बात मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं करूँगा, क्वालिटी में नो प्रॉब्लम है। मुझे जो जहाँ तक लगा कि इसकी जो ऑटो फोकस की जो स्पीड थी वो मुझे कम लगी उसके मुकाबले। अगर मैं 40mm को डायरेक्ट लेंस को यूज़ करता हूँ तो उसकी काफ़ी फास्ट है ऑटो फोकस। तो मैं सोच रहा था चलिए मैं सेटिंग से जाके जो ऑटो फोकस की जो स्पीड है उसको मैं बढ़ा देता हूँ, लेकिन वहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी +4 पे था। देखिए जैसे मैं गया वहाँ पे ऑलरेडी है 4 पे था, तो मैंने क्या किया इसको 5 पे करके मैं सोचा था चलो अब मैं टेस्टिंग करता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि इसकी जो वीडियो की जो ऑटो फोकस की जो स्पीड है ना वो कम लगी मुझे। वैसे इतना नहीं है, मतलब जर्किंग नहीं है। ये तो कह सकता हूँ कि DSLR में जो हमारा लेंस बॉडी के साथ जो जर्क करता है ना, फोकस को शिफ्ट करता है बार बार, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। फोकस शिफ्टिंग है, काफ़ी स्मूथली शिफ्टिंग है। हाँ, मान सकता हूँ कि थोड़ा बहुत कम है, बट अगर आप FTZ के साथ 50mm यूज़ करते हो तो इस फोकसिंग की इससे ज़्यादा स्पीड है, उसकी ट्रैकिंग भी बहुत बढ़िया है। बट इसमें एक और एडवांटेज आपको ये देखने को मिलेगा। मैं नॉर्मल वॉइस जो वीडियो रिकॉर्ड है वो मैं ऑन करके दिखाऊंगा आपको कि इसमें जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना और जब फोकस शिफ्ट कर रहा था तो जो साउंड होता है ना, जो 50mm में जो ऑटो फोकस का जो ऑप्टिकल का साउंड है तो उसमें बहुत ज़्यादा था, बट इसमें मुझे माइनर सा दिखा, मतलब बहुत कम आ रहा था। इतना कम कि अगर आप एक्चुअल वॉइस में यूज़ करना चाहते हो तो ईज़िली यूज़ कर सकते, नो प्रॉब्लम। ये मुझे बहुत सही लगी। इसमें स्पीड कम है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि थोड़ा बड़ा लेंस है, हैवी लेंस है, DSLR लेंस है, तो आप समझ ही सकते हो कि इसको थोड़ा ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। बाकी और कोई भी प्रॉब्लम मुझे ऐसा नहीं दिखा वीडियो में। उसके बाद फिर से स्विच किया और यहाँ पे देखिए कि DSLR लेंस के लगाने के बाद भी जो कैमरे का जो आई ऑटो फोकस का जो ऑप्शन है वो एनेबल है। मैंने एनेबल किया, उसके बाद देखा कि प्रॉपर वो काम कर रहा है, नो डाउट। तो दोस्तों काफ़ी हद तक जितने फीचर्स हैं मिररलेस के उन लेंस पे वो आपको अवेलेबल होंगे, बट मुझे नहीं लगता सारे जो फीचर्स है वो आपको मिल पाएंगे। जैसे कि अगर मैं कस्टम कंट्रोल रिंग की बात करूँ, शायद मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर वो कस्टम कर सकते हैं। तो नो प्रॉब्लम, जो आपको मेन चीज़ें चाहिए वो आपके सामने ही है सब। मैं प्रैक्टिकली, इसलिए प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ भी ना छुपे आपसे। बाकायदा जो लेंस है फ़ोटोग्राफी के लिए तो A1 है, नो डाउट। आपके पास है ऑलरेडी तो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कंटिन्यू फ़ोटोग्राफी भी की है, ब्रश मोड पे फ़ोटो को क्लिक किया है और प्रॉपर मैंने उसके बाद इमेजेस को चेक भी किए, तो काफ़ी हद तक जो फ़ोटोज़ थे वो फोकस में रहे हैं, नो डाउट। फाइनली मैं बताना चाहूँगा, अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी शूट करना चाहते हो और ज़्यादा फोकस अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी में है तो आप इसको लेंस अगर आपके पास है ऑलरेडी तो Z50 बॉडी और FTZ अडाप्टर को परचेज़ कर सकते हैं। इमेज के लिए तो बहुत बढ़िया है, नो प्रॉब्लम, इमेज क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और मैंने ट्राई किया इसको कंटिन्यू शूट करके भी देखा है, ब्रश मोड पे भी मैंने इसको लगा के देखा है, तो फोकस की आउटिंग है वो भी मुझे उतनी नहीं दिखी है। काफ़ी कमाल का स्पीड, काफ़ी अच्छा स्पीड काम कर रहा है। फाइनली अगर मैं बताऊं इस लेंस को वीडियो के लिए आपके लिए कैसा रहेगा, अगर आप सोच रहे हैं कि इसी लेंस से फ़ोटोग्राफी भी शूट करें, वीडियोग्राफी भी शूट करें, बट मेरी मानिए तो फ़ोटोग्राफ़ी के लिए तो इसको मैं नंबर 1 बोलूँगा, A1 है। बट वीडियोग्राफी के लिए ये थोड़ा सा स्लो मुझे लगा है पर्सनली। अगर मैं अपना ऑनेस्टली अगर रिव्यू दूं तो ये मुझे थोड़ा स्लो लगा है। क्योंकि जब मैं फ़ोकस कर रहा था एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट फ़ोकस कर रहा था वो स्लो हो रहा था। मतलब ऐसा नहीं है कि हंट कर रहा था, हंट नहीं कर रहा है लेकिन स्लो कर रहा है, स्मूथ कर रहा है। और अगर मैं यहीं पे अगर मैं 50mm का लास्ट टाइम जो मैंने रिव्यू दिया था दोस्तों, तो वहाँ पे अगर आप दोनों का अगर ऑटो फोकस का चेक करेंगे ना तो वो ज़्यादा फास्ट है। बट यहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट 1840 के साथ जो देखने को मिलता है वो 50mm भी नहीं मिला था। वहाँ पे मैंने एक चीज़ कहा था कि जब भी 50mm किसी सब्जेक्ट को फोकस कर रहा है, ट्रैक कर रहा है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा है, जो कि आपका जहाँ पे आपको ओरिजिनल वॉइस चाहिए, जैसे लाइक महिला संगीत हो गया, कोई स्पीच देता है, ठीक है ना, ऐसी जगह पे अगर स्टेज पे शो हो रहा है वहाँ पे अगर एक्चुअल वॉइस चाहिए तो होता क्या है कि जो 50mm में ना वो साउंड आता था, किचिर सा साउंड आता है। बट इसमें मैंने कान लगा के सुना है, इतना कम साउंड आता है, ऐसा नहीं है, इतना कम है कि वो आपके वीडियो को ख़राब नहीं करेगा, जो एक्चुअल वॉइस है उसे बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेगा। बट मुझे जो थोड़ा सा कमी लगा ना, फोकस पे कमी लगा है। बाकी क्वालिटी का नो प्रॉब्लम, क्वालिटी बहुत अच्छा है, भरपूर क्वालिटी है इसमें, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों फाइनल डिसीज़न क्या होना चाहिए, क्या आपको FTZ प्लस बॉडी परचेज़ करना चाहिए और आपके पास अगर F माउंट के लेंसेज है तो वो क्या आप यूज़ कर सकते हो इस कैमरे के साथ, Z50 के साथ अगर आप यूज़ करना चाहो या फिर ZFC के साथ अगर यूज़ करना चाहो तो कैसा रहेगा। तो मेरे तरफ से नो प्रॉब्लम नो डाउट आप बॉडी प्लस FTZ को परचेज़ कर सकते हो, और साथ में जो ये लेंसेज है 50, 85, 35, 1840, 1805 उस सारे लेंसेज को यूज़ कर सकते हो। स्पीडिंग की बात करूँ तो DSLR से 4 कदम आगे है स्पीडिंग, नो प्रॉब्लम, हंटिंग नहीं है, ठीक है। माइनर सा जो साउंड है वो किसी लेंस में है, किसी में बिल्कुल भी नहीं है। परफॉर्मेंस बहुत ही क्लियर है, नो प्रॉब्लम, जो परफॉर्मेंस है बहुत ही मुझे ज़्यादा पसंद आया है। और जितना मुझे टाइम मिल सका है मैंने फटाफट से इसको मैं रिव्यू आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों। आई होप आपको ये पसंद आएगा।